नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके YouTube चैनल PS अड्डा पर। और जैसा कि आप सभी को पता है कि पर्यावरण पर हमारी 10 कक्षाएं पहले हो चुकी हैं और आज की जो कक्षा है वो है कक्षा नंबर 11। दोस्तों, आज की जो कक्षा आज की जुड़ी हुई है ये भोजन वाले टॉपिक से जुड़ा हुआ है पूरा आज का जो सेशन है। और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं भोजन के अलावा, है ना। भोजन हमारा पहले कंप्लीट हो चुका है और भोजन में ही ये जो टॉपिक है ये है फसलों के ऊपर, ठीक है। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे फसलों इत्यादि के बारे में। और दोस्तों, ये जो टॉपिक है ये आपको परीक्षा में कम से कम एक क्वेश्चन पक्के से दिलवाएगा, ठीक है। इसमें ये जो हमने भोजन पढ़ा था ना, उसी में हम लोग पोषण पढ़ चुके हैं, भोज्य पदार्थों की प्राप्ति के स्रोत पढ़ चुके हैं। फिर इसके बाद हम लोगों ने एक पूरा एक PDF पर आपको एक वीडियो बताया था जिसमें कि हम लोगों ने जितने भी प्रोटीन, वसा और विटामिन्स वगैरह होते हैं और उनकी कमी से होने वाले जो रोग होते हैं वो हमने डिस्कस कर दिए थे। इसके बाद कुपोषण की भी हमने चर्चा की थी अपना जो वीडियो नंबर 10 है उसमें। और आज का जो वीडियो है ये फाइनल वीडियो है जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे फसल, ठीक है। फसल, उसके बाद बीज, इसके बाद सिंचाई, इनके प्रकार और इसी तरह की चर्चा होंगी, ठीक है। तो आप लोग बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा आखिरी तक और यहाँ से एक क्वेश्चन आप आज लेकर ही जाएंगे। चलिए करते हैं फटाफट स्टार्ट। तो देखिए दोस्तों, फसल होती क्या है? सबसे पहले इस बात को हम समझें कि फसल क्या होती है। हम लोग कह सकते हैं कि खेतों में जो उगते हैं उगती है वो फसल होती है। बिल्कुल सही बात है, जो खेतों में होती है वो आपकी फसल ही होती है। लेकिन यहाँ पर आप ये समझिए कि जो समय चक्र के अनुसार वनस्पतियों या वृक्षों पर मानवों व पालतू पशुओं के उपभोग के लिए उगाकर काटी या तोड़ी जाने वाली जो पैदावार होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? फसल बोलते हैं। मतलब आप इसमें ये देखिए कि कुछ 2 से 3 कीवर्ड हैं, अगर ये हम पकड़ लें तो आराम से हमारी फसल की डेफिनेशन पूरी हो जाएगी। पहला है समय चक्र, दूसरा है कि वनस्पति और वृक्षों पर और मानव और पालतू पशुओं के लिए जो फसल, जो चीज़ें उगाई जाएंगी और तोड़कर या काटकर उनको खिलाई जाएंगी उसको हम क्या बोल देंगे? फसल बोल देंगे। जैसे उदाहरण के लिए हम कह दें कि भाई गेहूं की फसल, तो गेहूं की फसल तब पकी हुई मानी जाएगी जब उसके दाने पककर पीले हो जाएंगे और उस समय किसी खेत में उग रहे समस्त गेहूं के पौधों को काट लिया जाएगा। अगर ये हो जाएगा और इसके बाद अगर उसके जो कण हैं, गेहूं के जो कण हैं, अगर उनको भी बटोर लिया जाएगा, साफ कर लिया जाएगा, तो आप कह सकते हैं कि फसल आ चुकी है, फसल पक चुकी है। ठीक वैसे ही जैसे आम का कोई बाग है और उस बाग में आम पकने लगे हैं और बिना हमने पेड़ों को नुकसान पहुंचाए फलों को तोड़ लिया, और तो जो हमारे हाथ में आएगा पेड़ से अलग होने के बाद उसको हम कहेंगे फसल, ठीक है। तो ये मुझे पूरा यकीन है कि आपने फसल की डेफिनेशन समझ ली है। और यहाँ पर एक बात आप याद रखें कि जब से कृषि का आविष्कार हुआ है, जब से कृषि का आविष्कार हुआ है तब से लेकर मानव के जीवन में फसलों का बहुत बड़ा योगदान है। और खासकर जब हम अपने उपमहाद्वीप की बात करते हैं जिसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका जैसे देश आते हैं, तो दोस्तों यहाँ सदियों से ही फसलों का एक विशेष महत्व रहा है। आपने सुना होगा कि जैसे कि बैसाखी होता है, इसके बाद पोंगल होता है, ओणम होता है, या हम लोग जो आपका चैत्र की नवरात्रि होती है उस टाइम पर भी कई सारी फसलें कटकर आती हैं। तो हम लोगों ने देखा है कि ये जितने भी त्यौहार होते हैं अधिकतर फसलों से ही जुड़े होते हैं, और फसल जब आ रही होती है तब ही इन त्यौहारों को मनाया भी जाता है। तो खासकर जो आपका उपमहाद्वीपीय इलाका है यहाँ पर फसलों का आना मानव जीवन में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, ठीक है। ये बात हम लोग समझेंगे, लेकिन इसके साथ साथ आप ये भी समझें कि खासकर भारत, पाकिस्तान और नेपाल में फसलों को 2 तरह की चीजों में बांटा गया है, या इसको हम कह सकते हैं कि ये मानव जीवन की 2 घटनाएं हैं। पहला कह सकते हो आप रबी की फसल और दूसरा कह सकते हो आप खरीफ की फसल। और ये एक तरह की मानव जीवन की घटनाएं होती हैं क्योंकि इस समय जो खेती किसानी पर ही डिपेंड परिवार होता है उसके घर में अनाज तो आता ही आता है, साथ ही साथ उसको इस बात की भी श्योरिटी मिल जाती है कि उसकी इनकम अब बढ़ने वाली है या नहीं बढ़ने वाली है। या मैं दूसरे शब्दों में बात करूं तो ग्रामीण जीवन में जो अर्थव्यवस्था है उसका मुख्य आधार ही रबी और खरीफ की
फसलें होती हैं और इस आधार को तय भी वही करती हैं। लेकिन एक बात और अब यहाँ पे समझिए कि जो रबी या खरीफ की फसल है वो बहुत सारे कारकों पर निर्भर करती है। हम ये नहीं कह सकते कि किसान सीधे खेत में गया और अपने बीज डाले और काम करना शुरू कर दिया, ये हम नहीं कह सकते। हाँ, इसके अलावा जब हम और चीज़ों के कारकों की बात करते हैं तो उसमें वहाँ का मौसम, धरती, वनस्पति, जल, ये भी महत्वपूर्ण होता है और इन्हीं पर वहाँ की फसलें और जनजीवन जो है ना वो बहुत हद तक डिपेंड करता है। या मैं कहूँ कि स्थानीय मौसम, धरती, वनस्पति, जल, ये सभी वो आधार हैं जो फसलों को होने के लिए एक बेस देने वाले, एक आधार देने वाले हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम समझें कि एक गेहूं की फसल, तो दोस्तों गेहूं की फसल जहाँ वहाँ होगी जहाँ का मौसम गेहूं को बोते समय ठंडा होगा और काटते समय गर्म होगा। अगर मैं बात करूं कि चावल की फसल, तो चावल की फसल वहां होगी जहां पानी खूब सारी मात्रा में होगा और मिट्टी की क्वालिटी ऐसी होगी कि वो पानी को फटाफट सोख कर नीचे न पहुंचाती हो। तो आप ये चीज समझ गए होंगे कि फसल एक महत्वपूर्ण चीज है जो किसान या फिर मैं कहूँ कि मानव के जीवन में एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में आती है और समय पर ये निर्भर करती है। लेकिन एक बात और याद रखना दोस्तों कि फसल उसी को कहा जाएगा, जैसा मैंने अपनी डेफिनेशन में बताया है कि फसल उसी को कहा जाएगा जो मानव या पालतू पशुओं के उपभोग के लिए तोड़ी या काटी जाएगी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे कि भारतीय फसल और उनका वर्गीकरण किस प्रकार से होता है। तो दोस्तों भारतीय फसलों को बहुत सारे आधारों पर बांटा जा सकता है, जिसके कुछ आधार मैंने आपको नीचे इस स्लाइड में दिए हैं। जैसे आप देख सकते हैं, पहला आधार है ऋतु आधारित। ठीक है, फसलों की ऋतुएं होती हैं, मौसम के अनुसार वो बदलती हैं और उस बदलाव से जो आपकी फसलें हैं उनके आकार, प्रकार, बोने का तरीका, पकने का तरीका सब कुछ बदल जाता है। जैसे फर्स्ट होता है रबी, रबी की फसल। दोस्तों रबी की फसल कब बोई जाती है तो याद रखिएगा आप, अक्टूबर या फिर नवंबर में इसको बोते हैं और इसको मार्च और अप्रैल में काट लेते हैं। इस फसल मतलब कि अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हो और मार्च अप्रैल में काट ली जाती हो, ऐसी फसलों को हम क्या कहेंगे? ऐसी फसलों को हम कहेंगे रबी की फसल। ठीक है, या आप एक बात और कह सकते हैं कि इनको बोते समय ठंड का महीना आ जाता हो उत्तर भारत में और काटते समय जो है वो गर्मी अपने तेवर दिखा रही हो। जैसे उदाहरण के लिए गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, बरसीम, रजका, मसूर, आलू, तंबाकू, लाही और जई। इसके अलावा अगर आपके इलाकों में और भी फसलें बोई जाती होंगी अक्टूबर नवंबर में तो उन्हें भी आप रबी की फसल कह सकते हो। ठीक है, चलिए इसके बाद होता है जायद की फसल। दोस्तों जायद की फसल जो है ये अमूमन मई और जून में ही बोई जाती है और मई और जून में ही ये काट ली जाती हैं। ये वे फसलें होती हैं जहाँ ये वे फसलें होती हैं जो कि आपकी सब्जी या सलाद के रूप में उपयोग में लाई जाती हैं। खास तौर पर यही फसलें होती हैं। ये खाद्यान्न फसलें मतलब अनाज वगैरह नहीं होता, तिलहन के रूप में ये नहीं होता, ये होगा आपका खास तौर पर जो आपकी सब्जियां वगैरह होती हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया हुआ है, जैसे कद्दू हो गया, खरबूजा हो गया, तरबूज, लौकी, तरोई, मूंग, खीरा, मिर्च, टमाटर, सूरजमुखी। ठीक है, लेकिन सूरजमुखी ये आइडियल है क्योंकि ये बहुत सारी जगह जो है ना ठंड के टाइम पर बोया जाएगा और गर्मी में कटता है। ठीक है, तो ये फिर भी ठीक है, हम लोग इसको भी मान लेते हैं क्योंकि हमारे भारत में जो जलवायु है वो अलग अलग प्रकार की पाई जाती है इस आधार पर। चलिए इसके बाद होता है आपका खरीफ की फसल। दोस्तों खरीफ की फसल जो है ये खासकर जून में बोई जाएगी और आपका अक्टूबर तक ये काट ली जाती है। अक्टूबर तक इसकी कटिंग हो ही जाती है, उसके बाद खेत तैयार करके हम नवंबर में गेहूं की फसल के लिए जाते हैं। तो इसमें क्या आता है? तो दोस्तों इसमें आएगा धान, बाजरा, मक्का, कपास, मूंगफली, शकरकंद, उड़द, है ना, उड़द बोला जाता है इसको उत्तर भारत में, उड़द, मूंग, मोठ, लोबिया जिसको चमला बोलते हैं, इसके बाद ज्वार, तिल, ग्वार फली, जूट, सनई, अरहर, ढेंचा जिस जो एक प्रकार की घास होती है, इसका प्रयोग जो है जो आपकी जमीन है उसकी उर्वरता को बढ़ाने में ये काम आती है। ठीक है, इसके बाद होता है दोस्तों गन्ना, जो कि एक बांस प्रजाति का है या फिर इसको भी आप घास कह सकते हो, घास प्रजाति का ही ये होता है। इसके बाद सोयाबीन जो मध्य प्रदेश में ज़्यादा बोई जाती है, उसके बाद भिंडी जो कि एक सब्जी के रूप में भी काम आती है और इसका उपयोग दवाइयों में भी किया जाता है। तो हमने अभी देखा कि रबी की फसल, जायद की फसल और खरीफ की फसल ये ऋतुओं पर आधारित हैं। ठीक है, ये खासकर आपका गर्मी ठंड और बरसात इनके ऊपर ही निर्भर करेंगी। इसके बाद दोस्तों जीवन चक्र के आधार पर, तो जीवन चक्र के आधार पर तीन भाग होंगे। पहला होगा एक वर्षीय, मतलब जो कम से कम एक वर्ष का साइकिल रखती हो, जैसे धान, गेहूं, चना, ढेंचा, बाजरा, मूंग, कपास, मूंगफली, सरसों,
आलू, शकरकंद, कद्दू, लौकी और सोयाबीन, ये एक साल के अंदर अंदर कटने पर आ जाती हैं। वैसे इनका इनका जो काम है वो, मतलब इनका जो ड्यूरेशन है वो कम से कम 3 महीने से लेकर और 4, साढ़े 4, 5 महीने तक ये लगभग लगभग तैयार होकर कट भी जाती हैं। तो इसको हम एक वर्षीय फसलें बोलेंगे। इसके बाद द्विवर्षीय फसलें, यानी कि दोस्तों जो 2 सालों तक आपको फसल दे सकती हैं, वो है प्याज और चकुंदर। ये ऐसी फसलें हैं जो 2 बार आपको उपज दे सकती हैं। उसके बाद बहुफसली है, बहुवर्षीय फसलें, तो इसमें नेपियर घास होती है जो एक बार लगाओ फिर काटते जाओ। इसके बाद रज्जका होता है जो कि पशुओं को खिलाने काम आता है। बरसी भी होती है इस तरह की, है ना, वो भी आप लगाकर और लगातार उसकी कटिंग कर सकते हो और पानी डालकर उसको फिर से बड़ा भी कर सकते हो। इसके साथ जैसे गन्ना, ठीक है, गन्ना आप कह सकते हो या बांस कह सकते हो। बांस में भी ये खूबी होती है कि आप बस कटिंग करते जाओ और वो अपने आप ही नीचे से फिर से बढ़ना शुरू हो जाता है। ये बहु वर्षीय फसलें होती हैं। बहुत सारी फल वाली फसलें जो होती हैं वो भी, जैसे कि अंगूर, है ना, अंगूर जो है वो बेल के रूप में लगता है, या फिर फूल वाली जैसे कि गुलाब, ठीक है, गुलाब एक बार लगाओ और उसके बाद लगातार चलता रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया जीवन चक्र के आधार पर। इसके बाद दोस्तों होता है उपयोगिता या आर्थिक आधार पर। तो उपयोगिता और आर्थिक आधार पर हम कैसे देखेंगे, जैसे कि हम कहें कि अन्न या धान्य फसलें, तो देखो अन्न या धान्य फसलें मतलब क्या कि जिसको खाने के प्रयोग में लाया जाता हो, जैसे कि धान मतलब चावल, ठीक है, गेहूं, जौ, चना, मक्का, ज्वार, बाजरा, ये सब धान्य फसलें हैं। तिलहनी फसलें जिनसे हमको तेल प्राप्त होता हो, ठीक है, तो तेल प्राप्त किससे होता है, सरसों, अरंडी, तिल, मूंगफली, सूरजमुखी, अलसी, तोरिया, सोयाबीन। वैसे सोयाबीन को दलहन फसलें बोलते हैं ना, याद रखना, मध्य प्रदेश सरकार इसको दलहन फसल मानती है, दलहन फसल है। और इसके बाद राई, है ना, राई से भी हमको क्या मिलता है, तेल, तेल मिलता है। इसके बाद दोस्तों दलहनी फसलें, तो दलहनी फसलें जो दाल के रूप में प्रयोग में लाई जाती है, जैसे चना, उड़द, मूंग, मटर, मसूर, अरहर, मूंगफली और सोयाबीन। जैसा मैंने अभी आपको बताया, सोयाबीन तेल भी निकलने काम आता है, उसको दलहन भी बोला जाता है क्योंकि फली के रूप में ही होती है, ठीक है। इसके बाद होता है दोस्तों मसाले वाली फसलें। तो मसाले वाली फसलें वे फसलें होती हैं जिनका प्रयोग मसालों के रूप में किया जाता है, ठीक है। कौन कौन सी है, तो जैसे अदरक है आपका, पुदीना है, प्याज है, लहसुन है, मिर्च, धनिया, अजवाइन, जीरा, सौंफ, हल्दी, काली मिर्च, इलायची और तेज पत्ता। इनका उपयोग आप जो हो उपयोगिता के आधार पर मसालों के रूप में करते हो। इसके साथ होती है दोस्तों रेशेदार फसल, जैसे जूट होता है, कपास होता है, सनई, पटसन, ढेंचा, ये सारी रेशेदार फसलें होती हैं जिनका प्रयोग करके कपड़ा, या जैसे बारदान होते हैं गेहूं वगैरह भरने के जो आते हैं वो, या फिर जैसे कि आजकल कोट वगैरह बनाए जाते हैं, तो ये जो है ये आपका जूट, कपास और सनई और पटसन, इनका उपयोग करके किया जाता है। अच्छा, जूट सबसे ज्यादा कहाँ होता है, कभी अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो आप बता सकते हो कि पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा जूट होता है, और कपास जो है वो होता है आपका गुजरात में, ठीक, गुजरात और राजस्थान और महाराष्ट्र, यहाँ पर ही सबसे ज्यादा आपका कपास होता है। पटसन सबसे ज्यादा होता है यूपी में, ढेंचा भी सबसे ज्यादा होता है यूपी में, ठीक है। चलिए अगला फसल होता है चारा फसलें। तो चारा फसलें मतलब ऐसी फसलें जिनका उपयोग चारे के रूप में किया जाता है और जानवरों से अधिक दूध लेना, ये इसका मुख्य उद्देश्य होता है। जैसे बरसीम, लूसर्न जिसको रिचका बोलते हैं, या नेपियर घास होता है, या लोबिया, इसके बाद ज्वार होता है। इसके बाद कई बार क्या होता है कि जो आपका ढेंचा होता है ना, ढेंचा जो है ये यूपी में उगाया जाता है, इसका प्रयोग भी चारा फसल के रूप में किया जा सकता है। और इसका एक प्रयोग और है कि इससे जो है लकड़ियां प्राप्त की जाती हैं और उन लकड़ियों को जलाकर ईंधन ईंधन बनाया जाता है, ठीक है। चलिए फलदार फसलें होती हैं। फलदार फसलें जैसे कि जिनसे हमको फल मिलते हों, जैसे आम, अमरूद, नींबू, लीची, केला, पपीता, सेब, नाशपाती, ये सारी क्या हैं, ये सारी हमारी फलदार फसलें हैं। तो दोस्तों ये उपयोगिता के आधार पर फसलें हो गई, है ना, याद रखिएगा। अन्य मतलब अन्न फसल, इसके बाद तिलहन, दलहन, मसाले, रेशेदार, चारा और फल, ठीक है। चलिए इसके बाद होता है आपका जड़ एवं कंद के रूप में। तो दोस्तों जड़ और कंद के रूप में जैसे आलू, आलू क्या है, तो आलू कंद होता है, याद रखना, जड़ नहीं होता, है ना, आलू क्या है, आलू कंद है। इसके बाद मतलब कि इसको हम तना बोलते हैं, है ना, याद रखना, तना। शकरकंद है, अदरक ये जड़ के रूप में, गाजर जड़ के रूप में, मूली जड़ है, अरबी, रतालू, फिर टोपियोका, शलजम, ये सारी जड़ और कंद के रूप में होती है। उद्दीपक यानी कि जो आपको जैसे जिनका सेवन करके आपको एकदम से ये कहें कि एक उत्तेजना उत्पन्न होती हो, जैसे तंबाकू,
तंबाकू, पोस्ता, चाय, कॉफ़ी, धतूरा, भांग या अफीम, है ना, ये भी, या गांजा, ये सारा उद्दीपक होता है, उत्तेजना पैदा करता है। इसके बाद शर्करा वाली फसलें होती हैं, जैसे जिनसे हमको शर्करा मिलती है, जैसे चकुंदर, गन्ना, इससे हम शर्करा निकाल सकते हैं। फिर औषधि फसलें हो गई, जैसे पुदीना हो गया, आपके बाद मेथी हो गया, इसके बाद अदरक हो गया, हल्दी, तुलसी, और इसी तरह से जब आप उगाएंगे कि सफ़ेद मूसली, ठीक है, या ग्वार पाठा, तो ये भी औषधीय फसलें होती हैं जिनका प्रयोग दवाई वगैरह बनाने में किया जाता है। ठीक है, तो ये उपयोग के आधार पर हो गया। अब दोस्तों इसके बाद होता है कि विशेष उपयोगिता के आधार पर, जैसे नकदी फसलें, तो नकदी फसलें वे फसलें होती हैं या वैसी फसलें जिनका उगाने का उद्देश्य नकद प्राप्त करना होता है। मतलब किसान उसको अपने उपभोग के लिए नहीं उगाता, बल्कि उसको बेचकर धन कमाएगा, ये उसका उद्देश्य होता है। जैसे गन्ना, अगर आप कहो कि सर गन्ना तो नकदी फसल नहीं है, हम तो इसको उपभोग मानेंगे, तो आप खुद ही बताओ कि क्या गन्ना किसान अपने खाने के लिए उगाएगा? नहीं। आलू, तंबाकू, कपास, मिर्च, चाय, कॉफी, क्या ये सब अपने खाने के लिए उगाएगा? तो इसमें आप कह सकते हो कि हाँ सर, थोड़ा बहुत खाने के लिए रख सकता है, लेकिन बाकी तो बेचेगा ही वो। ठीक है, तो जिनसे नकद प्राप्त किया जाता हो उसको हम बोलेंगे नकदी फसल। ठीक है, इसके बाद होता है अंतर्वर्ती फसल। तो दोस्तों अंतर्वर्ती फसल क्या होती है? अंतर्वर्ती फसल वो फसल होती है जो दो फसलों के बीच में उगाई जाए और दोनों को वो सपोर्ट करे, जैसे उड़द हो गया, मूंग हो गया, ठीक है, इसके बाद चीना हो गया, लाही, चीना लाही, सांवा, आलू, या हल्दी भी हो सकता है ना, हल्दी भी होता है, इसका उपयोग भी हम किसमें कर सकते हैं? अंतर्वर्ती फसल के रूप में कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद होता है मृदा रक्षक, है ना। मृदा रक्षक मतलब वे फसलें जो मृदा में नाइट्रोजन, नाइट्रोजन हो गया या कार्बन हो गया, या ऐसे अन्य तरीके के जो उर्वरक होते हैं उनको स्टोर करती हैं, जैसे मूंगफली, मूंग, उड़द, शकरगंद, बरसीम, लूसर्न, रिजका, ये सारी वो फसलें होती हैं जो मृदा की रक्षक कहे जाते हैं ना, मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। इसका होता है हरी खाद। तो हरी खाद में जैसे मूंग आती है, आप अगर मूंग की फसल उगाओ और उसको काटो मत, काटने से पहले ही उसको आप ट्रैक्टर से ज़मीन में पहुंचा दो, तो इसको हरी खाद के रूप में उपयोग में लाया जा सकेगा। और इससे एक बात और आप याद रखें, इससे आप एक चीज़ और याद रखें कि जो मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है वो तो बढ़ती है, साथ ही साथ जो उसमें हानिकारक तत्व जन्म लेते हैं वो भी जन्म नहीं ले पाते हैं, है ना, मिट्टी हमारी सेफ रहती है। तो मूंग हो गया, सनई हो गया, बरसीम हो गया, ढेंचा, मोठ, मसूर, ग्वार, मक्का, लोबिया, बाजरा, ये सब घास वाली फसलें तो होती होती हैं, लेकिन इसका प्रयोग जो है खाद बनाने में भी किया जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद आता है बीज। तो दोस्तों बीज में एक बात आप लोग याद रखिएगा कि बीज जो होता है ना, बीज क्या होता है? तो बीज कृषि की रीढ़ की हड्डी होता है। ठीक है, हमेशा एक बात याद रखना कि कृषि की रीढ़ की हड्डी क्या होता है? तो बीज होता है। अगर आपने अच्छे बीजों का उपयोग किया है, अगर आपने अच्छे बीजों का उपयोग किया है तो आपको अच्छी फसल मिलेगी। अगर आपने अच्छे बीजों का उपयोग नहीं किया तो जो क्रॉप आपको मिलेगी वो उतनी अच्छी नहीं होगी। तो यहाँ पर आप ये समझिए कि हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर की रीढ़ की हड्डी क्या है? तो वो है बीज। हमारे देश में और हमारे प्रदेश में अगर कृषि में अच्छे बीजों का उपयोग किसान करते हैं तो उनकी जो आमदनी है दोस्तों वो 20 से 25% तक बढ़ सकती है। और इसमें ये बात भी है कि अच्छी गुणवत्ता वाले जो बीज होते हैं उनकी जो मुख्य भूमिका है वो ये होती है कि जो फसल है उसका वो भरपूर उत्पादन आपको करके देते हैं, और उस फसल का फायदा आपको आर्थिक और सामाजिक रूप से भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझेंगे कि जो अच्छा बीज है वो, जैसा कि मैंने आपको अभी बता दिया है कि अच्छा बीज जो है वो 20 से 25% तक आपको अधिक उपज देगा, और अशुद्ध और अस्वस्थ या जो प्रमाणित बीज नहीं होगा, है ना, नहीं होगा, तो वो आपको उतना अच्छा जो मतलब पैदावार है वो नहीं दे पाएगा। तो हमको स्वस्थ चाहिए, अंतः शुद्ध चाहिए, और जो कि प्रमाणित हो, कृषि विभाग द्वारा प्रमाणित हो, ऐसा बीज हमको चाहिए जिससे कि हम अच्छे से अच्छी पैदावार पैदा कर सकें, पैसों की बचत भी कर सकें और अच्छे पैसे हम कमा भी सकें, ये हमारी एक इच्छा होनी चाहिए। यहाँ पर एक चीज़ और आप याद रखें कि अगर आपने अशुद्ध बीजों का उपयोग किया है तो ये आपके खेत में खास तौर पर खरपतवार को उगने उगने को मदद करते हैं। ठीक है, और अगर आपने प्रमाणित बीजों का उपयोग किया है तो इसमें खरपतवार नहीं होगा। दोस्तों अगर खरपतवार जन्म लेता है तो उसको उखाड़ने के लिए भी आपको अलग से पैसा खर्च करना पड़ेगा, और जिसका मूल्य जो है बाजार के आधार पर आपको
मतलब कुछ मिलेगा तो है नहीं, लेकिन जो फसल होगी वो भी खराब तरीके से होगी। तो यहाँ पर हमको ध्यान इस बात पर देना चाहिए कि हमेशा प्रमाणित बीजों का ही उपयोग करना चाहिए और अप्रमाणित बीजों का उपयोग नहीं करना चाहिए, उससे हमको बचना चाहिए। एक बात और समझो कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे, ये कहावत हमारे यहाँ चलती है भाई, जैसा बोया जाएगा वैसे ही काटा जाएगा। तो यही की यही बात जो है ये अच्छे किस्म के बीजों पर भी लागू होती है। अगर बीज अच्छे किस्म के हैं तो जो कृषि उत्पादन है वो भी अच्छा ही होगा। ठीक है, तो एक बात आप ये समझें कि हमारे जो कृषि सेक्टर है उसमें खास तौर पर किसान भाइयों के लिए सर्वगुण युक्त जो बीज हैं उनकी हमेशा क्या मानी गई है, कमी मानी गई है, ये उपलब्ध नहीं होता। और बहुत सी बार ये भी देखा गया कि किसान जो है वो 2 पैसे के लालच में अच्छे बीज लेने से कतराता है और वो ऐसे बीजों पर चला जाता है जो कीमत में सस्ते होते हैं लेकिन असरदार नहीं होते। ठीक है, चलो इसके बाद एक बात और कि खास तौर पर आप ये समझें कि कृषकों को बीज संततियों की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धि होती रहे इसके लिए निम्न स्तरों पर बीज का प्रगुणन किया जाता है। प्रगुणन मतलब कि एक बीज से कई सारे और बीज बनाए जाते हैं और इन स्तरों पर उनके अनुवांशिक लक्षण एवं गुणवत्ता हर स्तर पर बनी रहे इसके लिए प्रगुणन व्यवस्था में उत्पादित बीजों को 3 श्रेणियों में रखा जाता है। जो अनुसंधानित किस्म है वहां किस्म के जो केंद्रक होते हैं, केंद्रक हैं, केंद्रक बीज से प्रथमतः विभिन्न अधिकृत प्रजनकों द्वारा प्रजनक श्रेणी के बीज तैयार किए जाते हैं और प्रजनक बीजों से ही आधार बीज भी तैयार किए जाते हैं। मतलब होता कुछ नहीं है कि जो आपका सेंटर होता है वहां पर प्रजनक बीज बनाए जाएंगे और मतलब यहाँ पर आपको हाँ प्रजनक बीज बनाए जाएंगे और उसी से अन्य प्रजनक बीज या स्टैंडर्ड साइज के जो बीज होते हैं वो बनाए जाते हैं ताकि किसानों को उपज लेने में सहायता हो सके और बीज भी सस्ता हो और टिकाऊ हो। ठीक है, लेकिन एक बात और आप ध्यान रखें कि खास तौर पर राज्य बीज जो प्रमाणीकरण संस्था है, ठीक है, ये हमेशा उन बीजों की देखरेख करेगा और इसी की देखरेख में प्रजनक बीज से आधार बीज एवं प्रमाणित बीज की श्रेणी तक के बीजों का उत्पादन होगा। ठीक है, अब इस आधार पर हम बीजों को कितने भागों में रख सकते हैं, तो दोस्तों कह देना 3 भागों में। तो इस पूरे पैराग्राफ में सिर्फ आपको ये बात याद रखनी है कि प्रमाणित बीजों का उपयोग करना है और प्रमाणित बीज कौन बनाएगा, तो प्रमाणित बीज बनाएगा आपका प्रमाणिक संस्था जो कि राज्यों में होती है। ठीक है, चलो तो पहला है प्रजनक बीज। तो दोस्तों प्रजनक बीज क्या होता है, तो प्रजनक बीज है ना वह बीज होता है जिससे कि आगे आने वाले अन्य बीजों का हम उत्पादन कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि ये यहां पर एक लाइन यहां पर लिखे कि यह आधार बीज उत्पादन का मूल स्रोत होता है। मतलब कि इसी से अन्य आधार बीज उत्पन्न होंगे जो कि किसान को मिल सकते हैं जिनकी अच्छी फसल जिससे कि अच्छी फसल हो सके। यहां पर आप लोग ये बात भी याद रखें कि अनुवांशिक शुद्धता का बीज उत्पादन और उनके उनको कृषकों को उपलब्ध होना उत्तम प्रजनक बीजों के उत्पादन पर निर्भर रहता है और प्रजनक बीज उत्पादन का कार्य भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के नियंत्रण में अनुसंधान केंद्रों और राज्यों के कृषि विश्वविद्यालयों के द्वारा किया जाता है। ये बात आप नोट जरूर कर लीजिए अपनी कॉपी में। और इस बीज की थैली पर सुनहरे पीले रंग का एक बीज का विवरण लिखा होता है जिससे हम पहचान सकते हैं कि ये प्रजनक बीज है और विशेष रूप से इस पर हस्ताक्षर भी किए होते हैं। इस इन इन प्रजनक बीजों से ही जो अगले बीज बनते हैं उनको बोलते हैं आधार बीज और ये प्रजनक बीज की संतति होती है और बीज प्रमाणीकरण संस्था की देखरेख में निर्धारित मानकों पर पाए जाने पर प्रमाणित इनको किया जाता है और इनकी जो थैलियाँ होती हैं वो सफ़ेद रंग की होती हैं और प्रमाणीकरण का टैग लगा होता है और जो प्राधिकृत अधिकारी है उसके भी हस्ताक्षर इस पर किए गए होते हैं। सिवा दोस्तों तीसरा होता है प्रमाणित बीज। ये आधार बीज के द्विगणन से यानी कि आधार बीजों से ही उत्पन्न किए जाएंगे और जिसे प्रमाणीकरण संस्था द्वारा जो मानक अगर पाए गए हैं तो उसे प्रमाणित किया जाएगा और इसकी थैलियों पर नीले रंग का प्रमाणीकरण टैग लगा होगा और जिस पर जो अधिकारी हैं उसके भी हस्ताक्षर पाए जाएंगे। तो आप समझे कि यहाँ पर 3 तरह के बीज हो गए, पहला हो गया प्रजनक, दूसरा हो गया आधार और तीसरा हो गया प्रमाणित। ठीक है, ये तीनों बात आप लोग याद रखें। प्रजनक जो है ये जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है वो इसको उत्पादित करती है
और इसके सहयोग से अन्य जो संगठन है वो भी उत्पादित करते हैं। ठीक है, अब दोस्तों आता है उर्वरक, लेकिन इसके पहले मैं एक चीज और बता दूंगी। एक बीज और होता है जिसको बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड, है ना, जिसको हम बोलते हैं जीएम, है ना। जीएम क्या होता है दोस्तों, कि जो फसल होता है, जैसे एक लिया हमने गुलाब, क्या लिया गुलाब, और एक लिया हमने जामुन, ठीक है, ये गुलाब के फूल का है और ये जामुन के जो पेड़ है उसका बीज है, दोनों बीजों को मिलाकर हम जेनेटिकली कर देंगे मॉडिफाइड और इसको बना देंगे हम गुलाब जामुन। क्या बना देंगे, गुलाब जामुन। तो मतलब कि बीजों की जो का जो डीएनए का पूरा जो फॉर्मेशन है उसको बदल देना, जिससे कि उसका स्वरूप बदल जाए, उसका रंग रूप बदल जाए, उसका स्वाद बदल जाए और प्रकृति के खिलाफ लड़ने की क्षमता भी उसमें बढ़ जाए, तो उस तरह के बीज को हम बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड, यानी उसका डीएनए हमने क्या कर दिया, उसका डीएनए हमने बदल दिया। ठीक है, चलो, तो उर्वरक क्या होते हैं दोस्तों, तो उर्वरक होते हैं जो कृषि में उपज बढ़ाने के लिए प्रयुक्त एक रसायन है और पेड़ पौधों की वृद्धि में सहायता करता है और इसी की सहायता से पेड़ पौधों की जो वृद्धि है वो होती है। ये पानी में शीघ्र ही घुल जाते हैं और रसायन मिट्टी में या पत्तियों पर छिड़काव करके भी इनका प्रयोग किया जाता है। पौधे मिट्टी से जड़ों द्वारा एवं ऊपरी छिड़काव करने पर पत्तियों के द्वारा उर्वरकों को अवशोषित कर लेते हैं और उर्वरक पौधों के लिए आवश्यक तत्वों की तत्काल पूर्ति के साधन होते हैं, लेकिन इनके प्रयोग के कुछ दुष्परिणाम भी होते हैं, जैसे कि लंबे समय तक मिट्टी में नहीं बहने रह सकते। अगर आपने खेतों में डाला और ऊपर से पानी डाला तो पानी के साथ घुलकर जमीन के निचले स्तरों में चले जाते हैं। सिंचाई के बाद जल के साथ ही रसायन जमीन के नीचे भौम जल स्तर तक पहुंच जाते हैं और उसे दूषित करते हैं, यानी जमीन के जल को भी क्या करते हैं, प्रदूषित कर देते हैं, और मिट्टी में स्थित जितने भी जीवाणु और सूक्ष्म जीव होते हैं उनके लिए भी ये घातक साबित होते हैं और उन्हें भी कई बार ये मार देते हैं। इसलिए उर्वरक के विकल्प के रूप में जैविक खाद का ही हमको प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी चीज है, इससे जल स्तर पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता और जो सूक्ष्म जीवाणु हैं उन जो कि हमारे मित्र हैं उनको भी हम समाप्त नहीं करते। दोस्तों भारत में रासायनिक खाद का सर्वाधिक उपयोग जो है वो होता है पंजाब में। ठीक है, चलिए एक बात और कि उर्वरकों का वर्गीकरण, तो उर्वरकों का वर्गीकरण हम कर सकते हैं गोबर की खाद के रूप में। ठीक है, इसके बाद होता है कार्बनिक जैविक उर्वरक, जिसको हम कंपोस्ट यूरिया या कार्बनिक उर्वरक कह सकते हैं, जिसको अमोनियम नाइट्रेट बोल सकते हैं। इसके बाद प्राकृतिक पीट होता है जो कि जानवरों से प्राप्त होता है, या इसको कृत्रिम उर्वरक भी हो सकता है इसकी जगह, इसको हम सुपर फास्फेट बोलते हैं। अब दोस्तों ये बात तो हो गई इनकी मतलब उर्वरकों की, लेकिन पेड़ पौधों के लिए आवश्यक तत्व क्या होते हैं, पोषक तत्व। देखो मुख्य तत्व भी होते हैं और कुछ इसमें द्वितीयक पोषक तत्व होते हैं, कुछ इसमें सूक्ष्म पोषक तत्व भी होते हैं जिनकी बहुत कम मात्रा हमको चाहिए होती है। ठीक है, जैसे पहला है आपका मुख्य तत्व, तो मुख्य तत्व में हमेशा याद रखना कि तीन तत्व होते हैं, पहला होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, है ना, इसको हम एन पी के के रूप में जानते हैं और इसी के संयुक्त फॉर्मेशन को हम यूरिया भी कहते हैं। इसका प्रयोग जो है दोस्तों खेतों में सीधे किया जाता है और पानी के साथ घुलकर ये कई बार अन्य तरह के रसायनों का निर्माण करता है और हमारे जमीन के पानी और मिट्टी की उर्वरा शक्ति को भी प्रभावित करता है। तो उसे द्वितीय पोषक तत्व जो होते हैं उसमें आता है कैल्शियम, गंधक या सल्फर या मैग्नीशियम। ठीक है, इनका प्रयोग जो है वो कम मात्रा में किया जाता है और एनपीके का प्रयोग अधिक मात्रा में किया जाता है। सूक्ष्म पोषक तत्वों में दोस्तों होता है बोरान, जो कि फसल में फल और बीजांड को बनने में सहायता करता है। उसके बाद क्लोरीन, जो पत्तियों को सुरक्षित रखता है। फिर होता है मैग्नीज, लोहा, जस्ता, इसके बाद है तांबा, फिर है मॉलिब्लेडनम और सेलिनियम, जो कि केवल कुछ देशों में, खासकर जो ठंडे देश होते हैं वहां पर ये चाहिए होता है। तो इनको आप बिल्कुल याद कर लें, ये हमारे एग्जाम के हिसाब से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में आने की पूरी पूरी संभावना है। ठीक है, चलिए इसकी सीमाएं क्या होती हैं। तो दोस्तों जो उर्वरक होते हैं उनकी बहुत बड़ी सीमा होती है। सीमा मतलब ये कि अगर आपको आवश्यक तत्व चाहिए तो तत्काल मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि मतलब आवश्यक तत्व मतलब कि अगर आपको फल फटाफट चाहिए तो आप यूरिया का उपयोग करेंगे तो फसल दो की जगह आप 1.5 महीने में भी पका सकते हो और फटाफट से एक से इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, 1 गुना 2 गुना 4 गुना 10 गुना, जितना चाहो उतना आप कर सकते हो। एक और चीज है कि लंबे समय तक मिट्टी में नहीं बने रह सकते, इसीलिए हर साल किसानों को इन्हें खरीदना पड़ता है, जिसका कि किसानों के ऊपर एक आर्थिक बोझ भी आता है।
सिंचाई के बाद जल के साथ ये रसायन जमीन के नीचे चले जाते हैं, जिससे कि जो जमीन के अंदर का जो जल स्तर है वो भी प्रभावित होता है और वो जल हमारा दूषित हो जाता है। मिट्टी में पाए जाने वाले जितने भी जीवाणु और सूक्ष्म तत्व होते हैं उन सब के लिए घातक होता है, उनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद सबसे ज्यादा प्रयोग हो रहा है दोस्तों पंजाब में, और इसकी वजह से पंजाब में सबसे ज्यादा जो है वो कैंसर के मरीज भी हो रहे हैं। इसके बाद वर्तमान समय में पानी का जल स्तर और मृदा की पोषक तत्व में भारी कमी इसी की वजह से देखी गई है, और तो यहाँ तक कि जो मृदा है, मृदा तथा उपज में हानिकारक रसायनों की मात्रा बहुत अधिक पाई जाने लगी है। मतलब कि जो हम गेहूं की फसल उगा रहे हैं वो गेहूं की फसल होने में भी आपका जो रसायन है वो शामिल होता है, और ये रसायन फसलों में भी आ जाता है। ठीक है, तो इस चीज को हम यहाँ से समझ सकते हैं। और इसलिए उर्वरक के विकल्प के रूप में हमको क्या उपयोग करना चाहिए, तो जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए जो कि जीवों से हमें प्राप्त होती हो। अब दोस्तों इसके साथ साथ एक और चीज होता है केचुए वाली खाद। तो केचुए वाली खाद क्या होती है दोस्तों, तो इसको हम बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट। क्या बोलते हैं? वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं, और ये पूरे पोषक पदार्थों से भरपूर होती है और ये एक तरह का उत्तम जैव उर्वरक होता है, क्योंकि इसका निर्माण जीवों से किया जाता है। इसमें क्या होता है दोस्तों कि केचुआ जो है ये कीड़ों के द्वारा मतलब केचुआ जैसे ही कीड़े होते हैं, तो केचुआ या अन्य कीड़े जो वनस्पतियों और भोजन के कचरे आदि को विघटित कर देते हैं, छोटे छोटे भाग में तोड़ देते हैं, और तोड़कर ये क्या करते हैं कि उसे मिट्टी में मिला देते हैं। इसके बाद होता है दोस्तों वर्मी कंपोस्ट। ठीक है, वर्मी कंपोस्ट क्या होता है कि इसमें बदबू मतलब वर्मी कंपोस्ट में बदबू नहीं होती है, मक्खी एवं मच्छर आदि नहीं बढ़ते हैं तथा वातावरण भी प्रदूषित नहीं होता है। तापमान इसका जो है दोस्तों वो नियंत्रित रहता है, क्रियाशीलता और सक्रिय रहते हैं, है ना, मतलब जो जीवाणु है वो इसमें क्रियाशील और सक्रिय रहेंगे। वर्मी कंपोस्ट से 2 माह के अंदर तैयार हो जाता है, और इसमें तकरीबन 2.5 से 3% तक नाइट्रोजन होती है, और 1.5 से 2% तक सल्फर होती है, और 1.5 से 2% तक इसमें पोटाश भी पाया जाता है। दोस्तों केचुआ खाद जो है इसकी विशेषता क्या होती है, इसमें बदबू नहीं पाई जाती, इसमें मक्खी और मच्छर आदि भी नहीं बढ़ते हैं, और वातावरण भी इसे स्वस्थ होता है। इसमें जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं इनके साथ साथ में नाइट्रोजन 2 से 3% तक, फॉस्फोरस 2 से 3%, और पोटाश भी 1 से 2% तक मिलती है। ठीक है, तो इसीलिए किसानों को कहा जाता है कि आपको अधिक से अधिक केंचुए खाद का प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों जैव उर्वरक क्या होते हैं, इसके बाद एक चीज और ये भी पूछी जाती है एग्जाम में कि जैव उर्वरक क्या होते हैं। दोस्तों उन उर्वरकों को जैव उर्वरक कहते हैं जिसमें जंतुओं और वनस्पतियों के कुछ अवशेष प्राप्त हों, या ये इन जंतुओं और वनस्पतियों से हमें प्राप्त होते हों, उनको हम जैव उर्वरक कहते हैं। जैसे खाद हो गया आदि। ठीक है, इनको हम कहते हैं। ठीक है, नीलहरित कवक एक तरह का जैव उर्वरक होता है, इसके बाद भूमि की उर्वरता को टिकाऊ बनाए रखने के लिए, सतत फसल उत्पादन के लिए कृषि वैज्ञानिकों ने जो प्राकृतिक